खाद का यूज़ फ्रेंड्स अगर आप लोग अपने मोगरा के पौधे पर करते हैं तो आपके मोगरा के पौधे पे जो कलियों का साइज़ छोटा आता है या फिर कलियां बिना खिले सूख के मुरझा जाती हैं, तो बिलीव में ये जो फ्री की खाद मैंने बताया है, अगर ये आप अपने पौधे पे डालेंगे तो आपके पौधे की जो पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, एकदम डल बेजान सी हो रही हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। ये खाद आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें होममेड भी है और आपका ऑर्गेनिक खाद है जो कि आप आसानी से इनको अपने पौधे में डालेंगे। बिलीव में ये खाद आप अपने पौधे पे देते हैं तो आपके पौधे पे इसी तरह से भर भर के फूल आएंगे, बहुत सारी कलियां बनेंगी आपके पौधे पर और कलियां बिना खिले नहीं गिरेंगी। कलियों का जो फूलों का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा आएगा और फ्लावर्स आपका पूरा दिन अच्छा सा फ्रेश उसमें खिला रहेगा। तो ये आपका मोगरा जो होता है फ्रेंड्स, ये समर ग्रोइंग प्लांट होता है, यानी आपका जो मार्च से लेके नवंबर तक का मंथ होता है उस टाइम में बहुत हैवी क्वांटिटी में ये प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, अपनी ग्रोथ फास्ट करता है। स्पेशली अब जो मानसून का टाइम आ रहा है तो मानसून के बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में ज़बरदस्त उनकी लीफी ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। जो पौधे धूप से जल रहे हैं, मुरझा रहे हैं, एकदम बेजान से हो रहे हैं, उनमें भी एक चमक आ जाएगी और आपका पूरा पौधा बारिश के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ फ्रेंड्स के लोगों का जो कलियां बिना खिले गिर जा रही हैं, तो इसके मेजर तीन रीज़न होते हैं कलियां जो छोटी आती हैं। पहली बात ये फ्रेंड्स कि उनके पौधे में मॉइस्चर की कमी होती है, वो लोग मिट्टी को एकदम सुखा देते हैं तब पानी देते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि उनके प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी, यानी उन्होंने काफ़ी टाइम से अपने पौधे में कोई कंपोस्ट या कुछ खाद वगैरह नहीं दिया होता। और तीसरा जो एक मेजर रीज़न होता है वो है फ्रेंड्स इतनी हैवी, इतनी तेज़ धूप, इस वजह से भी कलियां समटाइम्स बिना खिले मुरझा के गिरने लगती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। मेरे पौधे पे भी देखिए लगातार दोबारा से प्लांट में कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं, प्लांट अपनी ग्रोथ अच्छे से कर रहा है। पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि बेशक मोगरा समर ग्रोइंग प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, लेकिन ये जो जून की इतनी ज़्यादा तेज़ धूप, हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स वो 45 के अबव है, आप समझ लीजिए इतनी तेज़ धूप में अगर आप अपने पौधे को रखेंगे तो पौधे की पत्तियाँ जलना एक स्वाभाविक है। तो आप अपने प्लांट को ऐसा करिए कि 11 बजे से लेके जो 4 बजे तक की तेज़ धूप होती है उससे बचा के रखिए, चाहे आप ग्रीन नेट में रखिए या फिर आप अपने पौधे को शेड में रखिए, तो उससे भी पत्तियाँ आपकी एकदम फ्रेश रहेंगी, ग्रीन रहेंगी। मेरे प्लांट में मैं आपको बताती हूँ कि क्या दिक्कत है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इस बार कोई ग्रीन नेट वगैरह नहीं लगाया, ओपन में टेरेस पे मेरे सभी पौधे रखे हैं, जिस वजह से मेरे प्लांट में ये दिक्कत आ रही कि इनकी कुछ कुछ लीव्स येलो हो रही हैं, लेकिन अगर आपके पास शेड है तो आप वहाँ रखिए। दूसरी चीज़ होता है वाटरिंग, हम लोग वाटरिंग का ख्याल नहीं रखते हैं। देखिए ये प्लांट में अंडर वाटरिंग करेंगे तब भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा पानी देंगे तब भी प्रॉब्लम है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी को आपको इसको एक मॉइस्चर बना के रखना है, मिट्टी में एक नमी बनी रहेगी तभी इस तरह से प्लांट हर एक जगह से अपनी लीफी ग्रोथ स्टार्ट करेगा, छोटी छोटी सी इनकी कलियां बनेंगी। आप ये ध्यान रखिए छोटी छोटी सी पत्तियां नई नई ग्रोथ स्टार्ट करता रहेगा। अगर आपके पौधे पे कली नहीं आ रही है तो आप अपने प्लांट की हर एक ब्रांच को हल्का हल्का सा 1 से 2 इंच तक कट कर दीजिए, क्योंकि मोगरा में न्यू ब्रांच पे ही कलियां आती हैं और उससे आपका प्लांट भी बुशी होता जाएगा। तो जिन भी ब्रांचेस पे आपकी कलियां नहीं दिख रही हैं आप हर एक उस ब्रांच को हल्का हल्का सा 1-1 इंच कट कर दीजिए, फिर आप देखिए कि पौधे में नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट होगी और साथ के साथ कलियां। जब पौधे में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं, देखिए जैसे ही मिट्टी की गुड़ाई किया, मिट्टी में देखिए एक मॉइस्चर मेंटेन है, मिट्टी अंदर तक एकदम ड्राई नहीं है,
जब पौधे में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं तो उस टाइम आप किसी भी तरह की खाद को पौधे की पत्तियों पे स्प्रे मत करिए। हम लोग ये गलती करते हैं, कलियां जब बनना शुरू हो जाएं या फिर फूल खिला हो तो आपको अगर स्प्रे करना है तो आप सिर्फ सादा पानी, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, आप उसका स्प्रे करें। पानी जब इस टाइम हम लोग देते हैं तो अक्सर लोग टंकी का बहुत गर्म पानी दे देते हैं, तो आपको वो काम नहीं करना है। गर्म पानी दे देने से प्लांट एक तो वैसे ही परेशान रहता है और उसकी रूट्स जलने लगती हैं। मोगरा आप स्पेशली गर्मी के टाइम में गमला मिट्टी का ही चूज़ करें। खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या खाद देने वाली हूँ, ये जो हम लोग घर में अक्सर दाल चावल ये सब धोते हैं ना, इनमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जो पानी हम लोग वॉश करते हैं, जो पहला पानी निकलता है आपको वो पानी का यूज़ करना है, दूसरा तीसरी बार वाला आपको नहीं लेना। ये पानी में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो बिना वजह प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, कुछ इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो ये उसको भी दूर करेगा। समटाइम्स पौधे की जो पत्तियां पीली होती हैं वो तो एक्स्ट्रा धूप के वजह से, और कभी कभी प्लांट में मैग्नीशियम सल्फेट की भी कमी हो जाती है, उस वजह से भी पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं। तो अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो आप उसका यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। पौधे को किसी किस्म के शॉक में नहीं जाने देता, अगर प्लांट किसी वजह से शॉक में चला भी गया है तो एप्सम सॉल्ट जो है वो प्लांट को जल्दी रिकवर करता है। ये आपको किसी भी नर्सरी में इजीली मिल जाएगा, तो आप एक एप्सम सॉल्ट ज़रूर रखिए अपने पास। ये देखिए जो ये खाद वाला पानी है, इसमें मैंने एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा पानी लिया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एप्सम सॉल्ट, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। प्लांट की पत्तियों का पीला पड़ना, बिना वजह पौधे की पत्तियों का गिरना, कलियों का छोटा आना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी इससे दूर हो जाएगी। तो देखिए क्वांटिटी का इस टाइम आपको विशेष ख्याल रखना है। हालांकि एप्सम सॉल्ट आपको ऑर्गेनिक है, लेकिन आपको फिर भी इसको कम देना है, बहुत हैवी क्वांटिटी में आपको इसको पौधे में नहीं डालना है। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देता है। इस टाइम में फ्रेंड्स, ये सब अगर आप किसी ठंडे महीने में कर रहे होते, लाइक आप अक्टूबर में या फिर आप उधर फेब में, तो प्लांट की पत्तियों को एक लीटर पानी में डाल के स्प्रे करते। लेकिन इस टाइम गर्म बहुत ज़्यादा है, किसी भी किस्म का आप पौधे पे कोई फर्टिलाइज़र स्प्रे ना करिए, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं इसको मिट्टी में देने वाली हूँ। तो बस आप भी ये ख्याल रखिए कि आप इस तरह की जो खाद है इनको मिट्टी में दीजिए, इससे आपके पौधे में हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स आते रहेंगे। अगर आपके पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं तो आप हर 10 दिन में केले के छिलके को या तो सुखा लीजिए धो के, उसको बारीक बारीक कट करके डाल दीजिए, और अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसका लिक्विड बना के आप हर 10 दिन के गैप पे पौधों पे डालिए, बहुत ज़्यादा आपको फ्लावर्स मिलेंगे। इस टाइम में स्पाइडर माइट्स, जो मकड़ियाँ होती हैं ना फ्रेंड्स, ये पौधे में बहुत ज़्यादा लगती हैं, उनमें जाला बना देती हैं, और प्लांट अपना जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर नहीं कर पाता है, तब भी वो अपनी लीव्स को गिराने लगता है। तो इस टाइम में दिन भर में आप एक दो बार अपने पौधे पे शारिंग करिए, बिल्कुल चेक करिए कि कोई मकड़ी वगैरह हो तो उसको रिमूव कर दीजिए। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आप अपने मोगरा के पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। दिन में एक आध बार आप अपने प्लांट को नहला ज़रूर दीजिए, उनकी पत्तियों को साफ कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय फ्रेंड्स।